तक जरूर मौजूद होंगे। PSL 7 के हवाले से भी बातें होंगी, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, ऑस्ट्रेलिया टूर टू पाकिस्तान के हवाले से भी डिस्कशन होगी, बिकॉज बहुत क्लोजली ये फॉलो करते हैं नॉट जस्ट पाकिस्तान क्रिकेट, ऑल टुगेदर पूरी क्रिकेट को, और काफ़ी अरसे से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। जी भट्टी साहब आप सुन सकते हैं हमें? सवेरा आवाज आ रही है। जी भट्टी साहब वेलकम टू गेम सेट मैच। सबसे पहले तो PSL 7 का जो है वो सफर कराची में आज आखिरी मैच है और कराची से खत्म होके लाहौर जाने वाला है, बट सबसे पहले हम क्योंकि कराची किंग्स का ही पिछला मैच था भट्टी साहब, उसकी बात कर रहे थे अभी, सो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी क्या गलत हुए जा रहा है, इनफैक्ट क्या गलत हुए जा रहा है कराची किंग्स के साथ। सवेरा एज ए कराचीआइट्स, आप भी शहर में रहती हैं, मैं भी यहाँ रहता हूँ, तो हमें एटलीस्ट मायूसी जरूरी है, जरूर है कि तकरीबन 3 करोड़ का शहर, ठीक है फ्रेंचाइज क्रिकेट में कराची के प्लेयर नहीं है कराची में, लेकिन बहरहाल कराची का फैन क्लब बहुत बड़ा है, लेकिन जिस तरह कप्तान चेंज होने के बाद कराची की परफॉर्मेंस में हमें चेंज नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि वसीम अकरम, पीटर मूर, बाबर आजम तीनों की केमिस्ट्री कहीं मिल नहीं रही, क्योंकि जब इमाद वसीम कप्तानी कर रहे थे आप देखेंगे टीम बिल्कुल डिफरेंट टीम थी। बाबर आजम अब 90 रन करते हैं तब भी उनकी टीम मैच आ रही है, 8 रन पर आउट हो रहे हैं तब भी उनकी टीम आ रही है, तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है, या तो ये एक अच्छी टीम तश्कील नहीं दे पा रहे हैं या फिर इन्होंने एक अच्छी टीम को खराब कर दिया है। ज़ाहिर है कप्तान का चेंज होना, बाबर आजम की कप्तानी की सलाहियत पे शक नहीं है, लेकिन एक फ्रेंचाइज का कप्तान होना, एक पाकिस्तान का कप्तान होना, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम में अगर आप देखें बाबर आजम जब इनिंग्स ओपन करने आते हैं वहां भी मोहम्मद रिजवान ज्यादा डोमिनेट कर रहे होते हैं, अगर आप इंडिया का मैच ही देख ले लास्ट ईयर जो हुआ, या फिर जब पाकिस्तान की बॉलिंग आती है आप देखें शाहीन शाह आफरीदी, हसन अली, हारिस रऊफ और दूसरे जो बॉलर्स हैं वो कप्तान को सहारा दे रहे होते हैं, यहाँ बाबर आजम से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं, उनको मैच सिंगल हैंडेडली लेके चलना पड़ रहा है। मेरे ख्याल में जब ये ड्राफ्ट हुआ था शायद कराची की मैनेजमेंट एक अच्छी टीम तैयार नहीं कर सकी थी, जो पिछले साल जब इन्होंने टाइटल जीता था उसके बाद से ये टीम अब बिल्कुल एक मुख्तलिफ टीम नजर आ रही है, ऊपर से शर्जील खान जिसे बाबर आजम के अलावा बहुत ज्यादा तवक्कुआत थी, शर्जील खान भी तवक्कुआत पूरी नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो भट्टी साहब ज़ाहिर है इमाद की कैप्टेंसी, ये देखिए ये पहले तो मैं आपको सलाम अर्ज करता चलूँ, मैं डायरेक्ट ऐसी बात कर जी वालेकुम सलाम, भट्टी साहब हमारे बड़े सीनियर हैं और जी और मेरी तरफ से ये गलत बात हुई। अच्छा भट्टी साहब देखें बिल्कुल हमारे बहसियत कराची आइट यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, हमारे हार्ट्स आर ब्रोकन, लेकिन ज़ाहिर है अब ये वाला PSL तो ज़ाहिर है अब जो हम कुछ कर लेंगे आगे की देखने की बात आती है। जो एक चीज़ शुरू में भी समझ में नहीं आई थी, क्या बाबर को कप्तानी देने की वजह सिर्फ यही थी कि वो पाकिस्तान की कप्तानी कर रहा था और बुरा लग रहा था यार के, क्योंकि ये बात अक्सर बोली जाती थी, अगर आपको याद हो सरफराज को हटा के जब बाबर को कप्तान बनाया गया था तो ये बात बोली जाती थी, बल्कि मैं कहूँगा ये ताना दिया जाता था कि यार ये तो अपनी फ्रेंचाइज का कप्तान नहीं है, तुमने इसको पाकिस्तान का कप्तान बना दिया, तो क्या अब ये वो रिवर्स किया गया कि यार पाकिस्तान का कप्तान है और वो अपनी फ्रेंचाइज का कप्तान नहीं है, तो ऐसा नहीं लगता, या कम अज़ कम मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहूँगा कि बस फ्लो को फॉलो करते हुए कप्तानी उनको दे दी गई और अब ये बात की जा रही है कि यार कहीं गलती तो नहीं हो गई। मेरे ख्याल में अदील साहब ऐसा ही है कि मैं भी जिस टीवी चैनल के लिए काम करता हूं वहां भी हम जिन टीवी पर जिन फॉर्मर क्रिकेटर्स के साथ पिछले एक डेढ़ साल से प्रोग्राम कर रहे थे जी, उनमें हमारे फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर वक्त भी पेश थे, वो यही कहते थे कि यार दुनिया का कौन सा ऐसा कप्तान है जो अपने मुल्क में तो तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान है लेकिन अपनी जो फ्रेंचाइज की टीम है उसका कप्तान नहीं है। मेरे ख्याल में बाबर आजम ने 2021 में जिस तरह परफॉर्म किया, आप देखें पाकिस्तान टीम भी उनकी कप्तानी भी जीतना शुरू हो गई, लेकिन वहां पर उनके पास रिसोर्सेज डिफरेंट थे, ठीक है बाबर आजम नो डाउट उनमें कप्तानी की सलाहियत है, लेकिन वहां आप देखें कि मोहम्मद रिजवान बैटिंग में उनको सहारा देते थे, कहीं पर मोहम्मद हफीज खड़े हो गए, टेस्ट मैच में फवाद आलम टीम के लिए खड़े हो गए, इसी तरह फास्ट बॉलिंग में मैंने 3 नाम लिए पाकिस्तान के, ये तीनों फास्ट बॉलर 2021 में दुनिया भर के बैट्समैनों के लिए मुश्किल पैदा करते रहे, फिर स्पिन बॉलिंग में आप देखें
नुमान अली हमारे पास थे, फिर साजिद खान ने परफॉर्मेंस दे दी, नवाज ने बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट किया। तो मेरे ख्याल में कप्तान चेंज होने से कराची की जो एक टीम कॉम्बिनेशन है वो बिगड़ गया। फिर आप देखें कि जिस वक्त ड्राफ्ट हो रहा था कप्तान वहां मौजूद नहीं था, जिन लोगों ने ड्राफ्ट में टीम बनाई, फिर वसीम अकरम एक अलग स्कूल ऑफ थॉट के शख्स हैं, पीटर मूर्स इंग्लैंड से आए, उनका भी बहुत बड़ा नाम है, उनकी कोचिंग सलाहियत पर भी शक नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना कि टू मैनी कुक्स, तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा जो दिमाग थे उन्होंने शायद इस टीम का कॉम्बिनेशन बिगाड़ दिया। बिल्कुल, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, और वाकई कभी कभार ऐसा ही लगता है।